संविधान इसलिए बनाया गया है कि मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी में एक आदमी भी जरूर पे भीख मांग रहा है ना सर, आप उसके भी अधिकार को छीन नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि यहाँ इक्वालिटी का हनन हो रहा है। इक्वालिटी का बात ही ना सर, यहाँ पर ये आंदोलन सही है लेकिन इंक्लूसिव नहीं है। आप लोगों को, आप बोलते हैं बिहार से आकर के यहाँ अतिक्रमण कर लिया। हमको एक बात बताइए ना कि जो बिहारी, आप जिसको बिहारी बोलकर गरियाते हैं, आपने एक जमीन का टुकड़ा उसको, क्या आप मानते हैं कि इनकी सबसे पहली लड़ाई बिहारियों से ही है या दूसरे राज्यवासियों से भी है? देखिए मेरे को तो नहीं लगता कि सिर्फ बिहारी इनके निशाने पे, मेरे हिसाब से इनके सारे बाहरी जितने भी बाहर के लोग यहाँ पे रोजगार पाने के लिए आते हैं ये उनके निशाने पे। मैं एक चीज दो बात बोलना चाहूँगा सर कि आप बिहारियों को टारगेट करते हैं, भगाते हैं, मारते हैं, चलिए समझ में आता। हमको एक बताइए, आपने जो जमीन का टुकड़ा बेचा उसके बदले में उस इंसान ने आपको बाकायदा पैसा दिया, उस पैसे से आपने बेटी का शादी किया, अपने व्यापार किया, आपने किसी का इलाज किया आपने, और आज उसी बिहारी को जो आपके मुसीबत के टाइम पे काम आया था आप उसको गाली देकर भगा रहे हैं। इससे सर झारखंड भगा कहां रहे हैं ये? नहीं अभी इस बात का हम खंडन करेंगे। भगा कहां रहे हैं? भगाने का बात नहीं है सर, आप अगर मेरा अधिकार छीन, इनका अधिकार मानना है, इनका कहना है कि हमारा कुछ परसेंटेज आप क्लियर करें, इस चीज पर नहीं इनका स्टैंड है। बात परसेंटेज क्लियर का नहीं है सर कि आप हमको 75% दे दीजिए, 25% बाहरियों को दे दीजिए। जो बाहरी आप दे रहे हैं तो हम बोले कि हम झारखंड में रहते हैं, अगर हमको झारखंड में स्थानीयता नहीं मिलेगा तो बिहार भी नहीं देगा, छत्तीसगढ़ भी नहीं देगा, कोई राज्य नहीं देगा। तो हमको कोर्ट से, हम फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में पूछेंगे भाई अगर हम झारखंड के स्थानीय नहीं हुए, हम 50 साल से यहाँ रह रहे, हमारे पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम झारखंड का स्थानीय नहीं हुए तो हम कहाँ का स्थानीय हुए? इसका जवाब संविधान क्या कहता है? ऐसा अगर विषम परिस्थिति आ भी जाए किसी व्यक्ति के साथ तो संवैधानिक ढांचा हमारा क्या कहता है? देखिए 2003 में ऐसा मामला आया था जब बाबूलाल मरांडी जी ने जब एक कांस्टेबल का बहाली आया, जन्म तो उन्हीं का दिया हुआ है समस्या नहीं, ये जन्म, ये बीमारी का सारा जड़ बिहार है सर। 1981 में 3 मार्च 1981 या 82 के आसपास में पहली बार बिहार में स्थानीयता का नीति बनाया गया, जिसमें साफ साफ कह दिया गया था, लालू जी की सरकार थी उस समय, जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार, अच्छा मिश्रा जी की जस्ट इमरजेंसी के बाद उनका सरकार बना था, जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बोला कि भाई जिनके पास लास्ट सर्वे में जिसका खतियान जिसका नाम है वो बिहार के स्थानीय हो गए। अब ये मुद्दा होगा कि बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़िएगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो नियम कानून बिहार में चल रहा है वो झारखंड में भी चलेगा। बाबूलाल जी गलत नहीं किए, उन्होंने बोला चलो भाई लागू करो इसको। अब लागू करो तो उस समय 2003 में मामला कांस्टेबल का बहाली आया, प्रशांत विद्यार्थी बोल के एक नागरिक थे झारखंड के रहने वाले थे, उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में, बोला सर हम तो झारखंड में ही रह रहे हैं, हमारा खतियान नहीं है तो हम झारखंडी नहीं हुए। कोर्ट को वो अकेला आदमी पूरा झारखंड के, झारखंड स्टेट को हराया सर, मेरा बात को समझिए। फिर से यही तैयारी है क्या? एकदम हराएंगे, अगर एक आदमी के साथ में भी अन्याय हुआ तो आप रोड पर रंगबाजी कीजिए, यहाँ चलेगा रोड पे, कोर्ट में तो भैया बाबा साहब का अंबेडकर का संविधान चलेगा। ये भी तो उसी के हवाले देकर आगे बढ़ रहे हैं कि ये भी जब आप देखेंगे इनके आंदोलनकारी जो है क्रांतिकारी, उनके हाथ में भी तो वही संविधान रहता है जिसका हवाला आप दे रहे हैं। आप देखिए आंदोलनकारी बोलते हैं कि भैया जन भावना के आधार पर कोर्ट फैसला दे देगी, भैया ये अयोध्या का मामला नहीं है, ये जल्लीकट्टू का मामला नहीं है, जहाँ पर कोर्ट स्वतंत्र थी आपको फैसला लेने के लिए, यहाँ पर किसी के अधिकार के हनन का मामला है। यहाँ पर अभी इसके पहले भी जो आप जो नियोजन नीति आप लाने की बात कर रहे हैं, ये नियोजन नीति 2 साल पहले 3 साल पहले भाजपा सरकार ऑलरेडी लेके आई भाई, 75% नियोजन जो लोकल लोग होंगे उनको, स्थानीय लोगों को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन। रांची हाई कोर्ट ने इस आदेश को मतलब कैंसिल किया। आप क्या बात कर रहे हैं, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप जाइए कोर्ट में, आप लेके आइए कोई भी स्थानीय नीति का, आप विधेयक लेके आइए, मुख्यमंत्री जी को लेके आने के लिए बोलिए। आपका अगर एक भी आदमी के अधिकार का हनन हुआ तो वो कोर्ट में नहीं चलेगा, वो फिर से कैंसिल हो जाएगा, आपको लिख के दे देते हैं इस बार। अच्छा मेरे अंदर एक प्रश्न चलता है, मैंने बहुत लोगों से भी ये पूछा है, मान लीजिए अभी जो सरकार यहाँ पे है किसी कारणवश, जैसे आप कह रहे हैं कि इमोशनल स्टेटस पर जाकर इसको इम्प्लीमेंटेशन कर भी देती है, क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार कभी बदल जाए तो फिर से? बिल्कुल, अभी देखिए अभी क्या हुआ कि भाजपा ने जो स्थानीय नीति लेके आया उसको बदलने का मांग चल रहा है। अभी करंट स्थानीय नीति पढ़िए जाकर सर, उसमें साफ साफ बोलता है कि अगर आप 30 साल से यहाँ झारखंड में रह रहे हैं, कोई व्यापार या नियोजन कर रहे हैं पहला, उसके बाद अगर आपके पास कोई भी खतियान है, जमीन का कोई भी खतियान, 1932 का 64 का 94 का 52 का, जितना आपके पास खतियान है उसको लेकर के जाइए, आपको स्थानीयता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इनका जो मांग है तो ऑलरेडी फुलफिल हुआ है, आप 1932 बोल रहे हैं, इन्होंने 1908 लागू कर दिया, आपके पास जो भी खतियान है जब का जिस डेट का खतियान आप लेके जाइए आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो लोग भूमिहीन है जिनके पास जमीन ही नहीं है, खतियान तो छोड़ दीजिए, उसके लिए उनके लिए क्या है कि भैया आप ग्राम पंचायत में रह रहे हैं तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया उनके पास जाइए, उनसे लिखवा लीजिए हाँ भाई इसका जनरेशन 2-3 जनरेशन यहाँ पर रह चुका है, ये यहाँ का स्थानीय है। नगर, अगर आप नगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप नगर पालिका में जाइए, वहाँ पर आपको मिलकर बन जाएगा। उसके अलावा अगर आप मैट्रिक का पढ़ाई किए हैं, इंटर का पढ़ाई किया झारखंड में, तो भी आपको यहाँ का स्थानीयता मिलेगा। सबसे बड़ा बात जो हमको लगता है आंदोलनकारी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोलना चाहेंगे सर, कि आप बोलते हैं कि बाहरी को भगाइए,
मेरा बात को समझिएगा, हम अभी अध्ययन कर रहे थे सर कि 2021 में कितने राज्यों ने कितना सारा टैक्स केंद्र सरकार को जमा किया। सबसे टॉप नंबर राज्य में आता है आपका महाराष्ट्र, 4 लाख करोड़ के आसपास में लोगों ने टैक्स सरकार को दिया, उसमें से और झारखंड ने तकरीबन 27,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को टैक्स दिया। अब मेरा बात को समझिएगा, 2021 में 123 लाख करोड़ के आसपास में टोटल टैक्स का कलेक्शन हुआ, ठीक है। अब बताइए कि आप जिस बाहर के राज्यों को मना कर रहे हैं, भाई बाहर के राज्यों से जो महाराष्ट्र का जो 4 लाख करोड़ रुपया जो टैक्स जा रहा है उसका 41% के बाद जो पैसा बच रहा है उससे आपका मनरेगा बन रहा है। हम आवास योजना की बात करते हैं, झारखंड में इस बार 66,000 घरों का आवास योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना का बात कर रहा है, जिसका खाली बजट अगर आप जोड़ लीजिएगा 66,000 करोड़ का, 1,30,000 की गुना कर लीजिएगा तो आपका 9,000 करोड़ के आसपास में तो खाली आवास में बनने का खर्चा हो रहा। तो जो केंद्र सरकार को जो पैसा दे रहे हैं आप फंड के तौर पे, मतलब टैक्स के तौर पे, उससे कहीं ज्यादा पैसा केंद्र सरकार आपको झारखंड को वापस कर रहा। आप उज्ज्वला गैस योजना देख लीजिए, पैसा आपको मिल रहा है वापस। हम किसी पार्टी के बारे में नहीं बता रहे। बाप रे बाप, इतना समझाइएगा, एक आम आदमी समझेगा? वहां कूच किए हुए हैं लाखों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में दीवानगी है, 42 किलोमीटर पैदल चल जा रहा है, भूखे प्यासे धूप में ये नहीं सोच रहा कि होना क्या है। इतने लंबे चौड़े चीजों का हवाला देकर आप पब्लिक को समझा पाइएगा, संगठित कर पाइएगा, आप कुछ समझा पाइएगा? मेरा यही कहना है, आप जब संगठित नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इनके अधिकारों के बीच में अब कोर्ट का हवाला क्यों दे रहे हैं? देखिए मेरा बात को समझिए, अगर आपको लग रहा है कि हम इनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, हम इनके अगेंस्ट में नहीं है। जितने आंदोलनकारी है, सच बोल रहे एकदम दिल से हम बता रहे हैं, आप एक्सक्लूसिव लेवल पर लेकर आइएगा ना सर तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको लोगों को एक साथ, कोई भी दुनिया का संविधान ना सर सबको जोड़ के चलता है, तोड़ करके नहीं चलता है। आप झारखंड में बोलिएगा बारी को नहीं घुसने देगा, मराठी वाला कल बोल देगा कि भैया हम 4 लाख करोड़ रुपया सरकार को टैक्स देते, मेरा जो टैक्स है उससे सिर्फ महाराष्ट्र का ही विकास होगा, झारखंड में मेरा पैसा नहीं जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? आपको 9 लाख से 15 लाख लोग राशन कार्ड पर चलता है, उनका घर चलता है, वो राशन का पैसा कहाँ से आता है? आपका घर में आवास जो टॉयलेट बनता है स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार, जो आपका जो टॉयलेट बनता है वो पैसा कहाँ से आता है? मनरेगा में इतना मजदूर लोग काम करता है, वो पैसा कहाँ से आता है? आपका टैक्स के पैसा से आता है क्या? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा से होता है। इस बात को समझिए आप, बाहरी भीतरी के चक्कर, ये क्षेत्रीयवाद की नीति लेके आइएगा, झारखंड इसमें सबसे ज्यादा घाटे में जाएगा, क्योंकि झारखंड का जो कुल टैक्स कलेक्शन है वो 27,000 करोड़ का है, बाकी के अन्य राज्यों के मुकाबले तो बिल्कुल खत्म है, बहुत कम है। अगर आप इस पे जाइएगा तो भाई बाहरी वाला बोले भाई हमारा पैसा तुम कहा, आप भी हम आपको बता रहे हैं, हम थोड़ा सा पढ़ाई करके आए हैं, लोगों से आंध्र प्रदेश के लोग मेरे दोस्त हैं, महाराष्ट्र में मेरे दोस्त है, आप भारत के किसी कोने में चलिए मेरे दोस्त है, वो लोग बोलते हैं भैया हम लोग तुमको पैसा क्यों दे, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं। झारखंड में मात्र 11 लाख आदमी लोग टैक्स देता है, महाराष्ट्र में 1,30,00,000 के आसपास में लोग टैक्स देने वाले लोग हैं। तो अब बात को समझिए, आप इस लड़ाई में जाएगा तो सबसे भारी नुकसान तो भैया 47% लोग झारखंड के कुपोषित। भाई साहब, ये पॉसिबल है कि कल सरकार ऐसा कोई आदेश दे दे कि आप यहाँ से चले जाए? असंभव है सर ये, बिल्कुल असंभव। जो वोट जाएंगे, नहीं मेरे बात, वोट क्या निर्णय ले सकती है? अगर आपको लगता है जो संवैधानिक संरचना की ढांचा की बात कर रहे, कोर्ट की सौ हल्का सा करवट लेकर आपको एक छोटा सा चीज बताते हैं सर, ये जो 50-75% स्थानीय लोगों का जो नियोजन का जो आरक्षण का जो बात है सर, इसको बात को समझिए, ऐसा नीति सिर्फ झारखंड का नहीं है सर, आप हरियाणा चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, सब जगह 75% से लेकर 80% का नियोजन का बात, आरक्षण का बात चल रहा है, लेकिन सारे मामले विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। बात को समझिए क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला मानना यह है कि भाई ये आर्टिकल 16, जिसका मतलब यह है कि किसी भी भारत के किसी भी नागरिक को जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, लिंग के आधार पर, आप उसको सरकारी नौकरी पाने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अभी 2003 का जो कोर्ट का जो आदेश आया था, जो प्रशांत विद्यार्थी के केस में था, उन्होंने साफ कहा था कि स्थानीयता का मामला कोर्ट या न्यायालय आपको रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर मानती है, मतलब कि भैया आप किसी भी नौकरी के लिए स्थानीय होने या ना होने से उस नौकरी के लिए योग्य और अयोग्य नहीं हो सकते हैं। PIL की तैयारी हो गई 100% पूरा, हम एक आदमी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जयराम जी, बाकी जितने आंदोलनकारी हैं आप लोग आंदोलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब तक इंक्लूसिव बातें नहीं करेंगे तब तक हमारे ऐसे लोग सामने आएंगे। और हम झारखंड के अगेंस्ट में नहीं बात कर रहे, हम चाहते हैं कि आप लोग नियोजन नीति लेकर के ठोक बजा कर, नियोजन नीति लेकर आइए, उद्योग नीति लेकर के आइए, विस्थापन नीति बिल्कुल लेकर के आइए। आप विस्थापन नीति के 100% पक्ष में बताइए, आपके पूर्वजों का जमीन, आपने जिसका जमीन का अनाज खा के आप बड़े हुए, वो जमीन कोई उद्योगपति आता है लेके चला जाता है, उसके बदले में ना तो आपको मुआवजा देता है ना ही कोई नौकरी देता है, और सरकार उस पर कुछ नहीं करती, ये तो अन्याय है। इस पर तो एकदम बिल्कुल हम सबसे जबरदस्त, अगर आज झारखंड में, मुझे भी, मैं भी इस चीज का पक्षधर हूं कि अगर सबसे जबरदस्त झारखंड में आज तक कोई राजनीति हुआ है
तो मैं कहने को तैयार हूं कि विस्थापन नीति, हर गरीब, हर व्यक्ति यहां गरीब, हर समाज यहां पिछड़ा, उस समय भी था और आज भी है। इसका एकमात्र कारण है जहां कल दिन वो खेतीहर जमीन था उसको भी उद्योग नीति के अंतर्गत गलत तरीके से एक्वायर किया गया, और आज विस्थापन का दंश हर व्यक्ति, करीब करीब मुझे लगता है जो मूलवासी हैं, हर 10 में से 9 व्यक्ति इस दंश को झेल रहा। अंतिम एक प्रश्न मेरा आपके साथ होगा दुबे जी, अगर आप इनके आंदोलन में शरीक होना चाहते हैं तो किस तरीके से होंगे? देखिए, मैं इस आंदोलन के खिलाफ में नहीं हूँ, आप आंदोलन बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ बोल रहे हैं कोर्ट जाएंगे, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कोर्ट हम तब जाएंगे जब किसी एक आदमी का भी अधिकार का हनन आप लोग कीजिएगा, तब चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो उड़िया हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो कैसे ही झारखंड के निवासी हो जिसके पास जमीन और खतियान नहीं है, अगर आप उनको बाहरी बनाइएगा तो हम कोर्ट जाएंगे और न्यायालय से न्याय की मांग करेंगे। अगर न्यायालय बोलता है कि भैया तुम लोग गलत मांग कर रहे हो तो कोर्ट बोल दे चलो भैया हम लोग घर आ जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे, किसी एक के साथ भी अन्याय कीजिएगा तो हम लड़ेंगे। अब बताइए, हम, मेरे पापा बिहार से, मेरी माँ झारखंड से, अब हम बताइए कि हम क्या हो गए, हम झारखंडी हुए कि बिहारी हुए? मेरे पास 1932 का भी खतियान है, मेरी माँ झारखंड की है तो हम आपको दिखा देंगे, लेकिन ये मेरे अधिकार का बात ही नहीं है। हम ऐसे लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं भाई, बहुत गरीब। अंतिम कम शब्दों में आंदोलनकारियों से क्या अनुरोध करेंगे? देखिए, मैं आंदोलनकारियों से क्या ही अनुरोध कर सकता हूँ, मैं उनको यही बोल सकता हूँ कि देखिए झारखंड को तोड़ने का बात मत कीजिए, आप लोग एकता अखंडता की बात कीजिए। झारखंड में सब 47% लोग झारखंड के कुपोषित हैं, उसमें बाहरी भी हैं, उसमें भीतरी भी हैं, उसमें आदिवासी भी हैं, उसमें मूलवासी भी हैं। आप तोड़िए मत, इनको जोड़िए। आपका गुस्सा हो सकता है किसी बाहरी के ऊपर में, आपको लगता है कि वो आपके हक और अधिकार को छीन लिया है, लेकिन ये आपको लगता है, कानूनी तौर पे वो किसी का हक और अधिकार नहीं छीन रहा। अगर वो नौकरी पा रहा है तो मेरिट पे पा रहा है, आप मेरिट पे लेकर के आप मान के चलिए, आप दौड़ रहे हैं तो कोई तेज ज़्यादा दौड़ रहा है तो उसको गोली मार दीजिएगा, नहीं ना, आपको, आप अगर नौकरी चाहते भी हैं तो आप मेरिट पे लीजिए ना, आपको इस बात का अगर डर है तो। हमको तो नहीं लगता कि झारखंडवासी किसी से कमज़ोर है, पढ़ाई में भी या किसी भी चीज़ में, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि भाई इनको किट नियोजन से बाहर ही कर दो, गेम से बाहर ही कर दो और हम लोग ताकि बांट पाए चीज़ों को, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, आप न्यायालय में फंस जाइएगा। हम आपको बता रहे हैं ना, ये स्टडी किया हुआ चीज़ है। दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के तरफ से। एक बात तो मैं कहूँगा, आंदोलनकारी से भी कहूँगा जो इसके पक्षधर हैं या जो विपक्ष में भी हैं, कि कानून का हवाला देकर अगर हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा तो कहीं ना कहीं संविधान के किसी भी कॉलम में वो बात जरूर मेंशन है। अब देखना है कि अगर किसी कारणवश सरकार 1932 को लागू करती है तो अब लोग दूसरी तैयारी में हैं कि अब हम कानून का सहारा लेंगे। देखा जाए न्यायपालिका के पन्नों में किस तरीके का विचारधारा बनकर एक नया सामने आता है, जहां बीजेपी के द्वारा 1985 का कट ऑफ दिया गया और अभी जो वर्तमान में आंदोलनकारी हैं 1932 की बात कर रहे हैं। एक लंबा डिफरेंस है, इस लंबा डिफरेंस को गैप करने के लिए मुझे लगता है केवल और केवल केवल भारतीय संविधान के पन्नों के सहारे से ही इसे सलटा जा सकता है। धन्यवाद। मेरी तो एक ही कोशिश है, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, चाहे वो राम हो या श्याम हो। जय हिंद।